मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन हमने लाहौर के अंदर अप्रैल के अंदर दो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन किए हैं मिलदीन हॉस्पिटल के अंदर। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन जो है ये वो प्रोसीजर है जो आने वाले दौर के अंदर और इस नए दौर के अंदर एक बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। यानी वो पेशेंट जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है, जिनका प्रोस्टेट साइज़ जो है 60 ग्राम से ऊपर है, 80 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, जो उनके मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, उनके जिनके इशूज़ की वजह से या उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि उनकी सर्जरी हो सके, या और भी उनकी बिल्कुल उधर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या और प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो सर्जरी नहीं हो सकती, या पेशेंट खुद बताते खुद सर्जरी नहीं चाहता, पेशेंट चाहता है कि सर्जरी के बगैर जो है उसका प्रोसीजर हो जाए। तो ये दो प्रोसीजर जो हैं हमने भी लाहौर में किए हैं, जिसके अंदर एक पेशेंट जो था जिसका प्रोस्टेट साइज जो था 80 ग्राम था और उनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स थे उनके, और दूसरा जो साहब थे उनके प्रोस्टेट जो था तकरीबन 58 ग्राम था। ये दो प्रोसीजर्स हैं और बड़े सक्सेसफुल टेक्निकल प्रोसीजर जो हैं ये हुए हैं, इनमें टाइम लगा है इसके अंदर, क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है प्रोस्टेट एम्बुलेशन एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी एनाटॉमी को फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी वेसल है जो प्रोस्टेट आर्टरी प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। तो आने वाले दौर के अंदर ये एक वो प्रोसीजर है जो आप आज नहीं कल कल नहीं परसों आप इस बात को देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि ये एक वो प्रोसीजर होगा जो आहिस्ता आहिस्ता सर्जरी को रिप्लेस करेगा इन द फ्यूचर के अंदर, और जिसकी वजह से ये दुनिया के अंदर जो ब्राज़ील है या पुर्तगाल है जहाँ पर ये बहुत कॉमन होती हैं ये चीज़ें, या वेस्ट के अंदर चीज़ें जो हैं आस्ते आस्ते इवॉल्व हो रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये हमारा तीसरा केस है जो हमने किया है, और ये आने वाले टाइम के अंदर मजीद इस केस के अंदर नंबर जो है इस पर पड़ेंगे। आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलेशन के बारे में तो हमारी कुछ वेबसाइट या ircpakistan.com पे है, उस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी चीज़ें जो हैं आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो 4-5 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आपको कराएँ, अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट जो है वो करवाएँ, प्री वाइड पोस्ट वाइड अपना यूरिन ब्लड टेस्ट कराएँ, और इसके अलावा जो है आपका अपना यूरोफ्लोमेट्री और पी एस एल, ये आपने ज़रूरी हैं बिफोर अपॉइंटमेंट के लिए। शुक्रिया।